DBS Senior Secondary School, ABG, लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री प्राइमरी टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. 100% फर्स्ट डिविजन इन 10th बोर्ड, 50% डिस्काउंट फॉर गर्ल्स. DBS Senior Secondary School, नियर ABG फार्म रोड, अजमेर. आज हम लोगों ने दोराई ग्राम पंचायत की आशा कॉलोनी में जो पानी की समस्या है उसको लेकर ज्ञापन दिया है. 2016 से लेकर अभी तक वहाँ जो पानी की समस्या है उसको लेकर हम लड़ रहे हैं. जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी की विकराल समस्या वहाँ रूप धारण कर लेती है. इस साल जो ये महामारी आई है कोरोना, इसके कारण जो विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, ऐसी परिस्थितियाँ जब दोराई के कंचनगर क्षेत्र में कोरोना का पेशेंट मिला है और उसके जस्ट 100 मीटर दूर पे आशा कॉलोनी है, आशा कॉलोनी के लोग कंचनगर जाकर पानी की व्यवस्था कर लेते थे दूर दराज के क्षेत्रों से, किंतु कोरोना महामारी के कारण अब सभी क्षेत्रवासी अपना अपना बचाव करने लगे. ऐसी स्थिति में आशा कॉलोनी वासियों को पानी मिलना तक मुश्किल हो रहा है. इन स्थिति में हमने कलेक्टर साहब और पहले भी कई जगह हमने जो जलदाय विभाग के लोग हैं उनको ज्ञापन दिया है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी हमने इस विषय के बारे में अवगत कराया, किंतु समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है. आज हम वापस इसी विषय को लेकर कलेक्टर साहब से मिले हैं और अगर हमारी इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया जाता है तो हम चरणबद्ध रूप से आंदोलन करेंगे. हंसराज चौधरी, ग्राम बसी दोराई. हम आशा कंचन नगर आशा कॉलोनी से आए. हमारे को पानी की बहुत परेशानी हो रही है. बारिश में हम बाहर भी नहीं निकल सकते, मतलब बाहर भी लेटरिंग बाथरूम भी जाएं तो उसके लिए भी पानी चाहिए हमारे को. ना टैंकर आ सकता है और ना घर में पीने का पानी. इतनी दूर से पानी लाए, हमारे पास में 100 फीट की दूरी पर ही पाइपलाइन डल रखी है और उसमें भी हमारे को ना तो कनेक्शन लेने दे रहे और ना हमारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ना हमारे को पाइपलाइन गाड़ के दे रहे. हम 4 साल से बहुत परेशान हो रहे हैं. सरपंच के पास जाकर आगे तो हमारे को कहते हैं हाँ शांति रखो अभी करवा दूंगा, हाँ शांति रखो अभी करवा. कितने ये टाइम निकालते 4 साल हो गए. हमारे को झूठा दिलासा दे रहा है. क्यों दे रहा है झूठा दिलासा? हमारे से बोर्ड लेने के लिए वो आता है, हम बोर्ड उसको देते हैं तो फिर हमारी समस्या का हल भी उसको निकालना चाहिए ना. हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम सुबह 6 बजे नल आ जाता है. हम किसी के दरवाजे पे पानी लेके लेने के लिए जाएं तो भगा दे लोग बाग. यहाँ क्या धर्मशाला है, टैंकर मंगाते तो वो टैंकर भी नहीं आता बारिश के मौसम में. इतने इतना नहीं आता, इतना इतना पानी भर जाता ना तो वहाँ टैंकर बैठ जाते हैं. तो कम से कम वो पाइप लाइन डलेगी तो हमारी कम से कम व्यवस्था तो हो जाएगी, मतलब वहाँ का खेत. हाँ है ना, और हमने 4-4 बार फाइल लगा रखी, 4-4 बार फाइल लगा के चले गए तो हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही. क्यों नहीं हो रही? हम भी तो उसमें ही है ना, दोरे कंचन नगर है ना, बोर्ड वो सरपंच लेता है हमारे से.